साक्षी मिली है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनके अथक प्रयासों की बदौलत। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो हर लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए, हर उम्मीद को नई मंजिल देने के लिए कृत संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। आज यहां झारखंड की राजधानी इस वीर भूमि की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आयोजित दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव 2022 के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित और आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आए हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, यहां उपस्थित हमारे राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, मंत्री झारखंड सरकार आदरणीय जोबा मांझी जी, झारखंड सरकार के मंत्री भाई बन्ना गुप्ता जी, झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे साथ उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहां उपस्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, यहां उपस्थित राज्य के हमारे विधायकगण, प्रधान सचिव, सचिव और यहां उपस्थित इस जनजातीय समारोह में आए हुए आप विभिन्न राज्यों से आप सभी कलाकार भाइयों, विभिन्न क्षेत्रों के अभी आप सब लोग विद्वान साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपको अपनी ओर से जोहार करता हूं। एक लंबे समय के बाद, राज अलग होने के बाद पहली बार राज में जनजातीय महोत्सव में हम सब शरीक हुए हैं। राज के विभिन्न जिलों से यहां लोग तो उपस्थित हुए ही हैं, साथ साथ में कई राज्यों से भी यहां पर प्रतिनिधि आए हैं, कलाकार आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राज्य के अंदर
बड़ी जोरों से यह चिंता थी कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति बन रही है, अल्पवृष्टि के वजह से सरकार की चिंताएं बढ़ रही थी, किसानों की भी चिंताएं बढ़ रही थी। कई सोशल मीडिया, अखबार और कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य के विभिन्न कोने से हमें संदेश आ रहा था कि इस बार बहुत जो आने वाला समय है बहुत भयावह होने वाला है यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, और एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी खड़े होने जा रही है, और वो चुनौती था सुखाड़ का। हम सभी निरंतर इस विषय पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन ये जनजातीय महोत्सव का आगाज हुआ और इसकी तैयारियां शुरू हुई, और उसी दिन से जिस तरीके से यहां झमाझम बारिश हुआ, आज इंद्र भगवान ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस राज्य में किया है। और इस बारिश में भी यहां उपस्थित आप सबों की को देखकर मुझे लगता है, पहले तो चिंताएं भी थी, पता नहीं ये कार्यक्रम सफल होगा कि नहीं होगा, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि आज इस जनजातीय समूह को जो आप लोगों ने ताकत दिया है और जो आशीर्वाद आपसे मिला है यह जनजाति महोत्सव का, और इस राज्य के लिए एक नई ना पाए निरंतर चलता रहे और आपका आशीर्वाद इसको मिलता रहे। बातें बहुत कुछ है, लेकिन आज कल भी हमने मन से अपनी बातों को रखा है। निश्चित रूप से जनजातीय समूह के लिए, आदिवासी समूह के लिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने 9 तारीख का दिन मुकर्रर किया है, और जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी के आशीर्वाद से संविधान में जो हमें जगह मिला है, आज कहीं ना कहीं उन वजहों से आज अपना हम अपने वजूद को बचाने में, आगे बढ़ाने में छोटा बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यही काम नहीं चलेगा। अभी आदिवासी समाज को अभी और भी जंग लड़ने हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे अगुआ लोगों ने, और जो हमारे पास संपत्ति है, जो हमारे पास जो भी चीजें हैं, वो हमारे पूर्वजों का है जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद अपने को कुर्बान कर, अपने जान की आहुति देकर हमारे लिए बचा के रखा और हमें सौंप कर वो यहां से निकल गए। अब इसको कैसे हमें बचाना है और इसको कैसे हमें मजबूत करना है और इसको कैसे राष्ट्रीय पटल पर और दुनिया के लोगों तक कैसे हम अपनी पहचान बनाएं, इसके लिए हमें हर व्यक्ति को इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज बतौर सरकार के रूप में आज हमने कई योजनाएं इस राज्य के लोगों के लिए
चालू किए हैं और इसमें सिर्फ जनजातीय समूह ही नहीं बल्कि सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। मैं विशेष रूप से हम अपने आदिवासी समूह से कहना चाहेंगे, आप लोग भी आगे बढ़े, सरकार की योजनाओं का लाभ लें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के लिए हम लोगों ने आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। बस आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। आज आपने देखा हमारा ये जो राज्य है, जंगल पहाड़ नदी नालों से भरा हुआ ये राज्य है। कई लोग पहाड़ के ऊपर नदी के किनारे गड़ा डोड़ा में लोग रहता है, जहां सरकार की ना कभी आवाज जाती थी ना सरकार की कभी योजना जाता था, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा उन लोगों तक पहुंच पाता था। लेकिन आपने देखा सरकार आपके द्वार के माध्यम से हमने हर पदाधिकारी को आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया, आपके गांव में आपके पंचायत में पहुंचाने का काम किया। आज इस राज्य में चाहे वो बूढ़ा बुजुर्ग हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे विकलांग व्यक्ति हो, चाहे एकल महिला हो, सभी लोगों को ये देश का पहला ये राज है जहां हर पेंशन सार्वजनिक रूप से दिया जा रहा है। आज ये पहला ये राज है जिसको हम आए दिन पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं, और वाकई में संसाधन के रूप में खनिज संपदा तो हमारे पास है, कोयला है, लोहा है, अब्रक है, यूरेनियम है, हर तरीके के खनिज संपदा है, हमारे खेत में है, खलियान में है, पहाड़ में है, सभी जगह हमारा घर द्वार के नीचे भी खनिज संपदा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे, मैंने कल भी कहा है कि हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है और जंगल काटने के लिए कोई आरा मशीन नहीं है जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास होता है। आज हम लोगों ने जल जंगल जमीन बचाया, कहीं ना कहीं आज हमारे जल जंगल जमीन के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया में कई तरीके की आपदा को लेकर लगातार बड़ी बड़ी गोष्ठियां बैठाई जा रही हैं, कैसे जंगल बचेगा, कैसे जानवर बचेगा, कैसे नदी नाला बचेगा, इस पर चिंता होता है। लेकिन आदिवासी कैसे बचेगा, इस विषय पर चिंता शायद ही कहीं होता हो। थोड़े बहुत कहीं पत्रकार जर्नलिस्ट कुछ कुछ लिखते जरूर है, लेकिन उनकी आवाज इतनी जोर नहीं पकड़ पाती है जहां शीर्ष कुर्सी पर बैठे लोगों तक ये आवाज पहुंच सके। इस वजह से आज ये 9 तारीख हम जनजातीय समाज के लिए एक संकल्प दिवस भी है। हम इस समय ऐसे संकल्प के साथ एक सुर से ऐसी आवाज उठाएं जो आज जनजातीय समाज की समस्याओं की भी आवाज शीर्ष ऊंचे बैठे कुर्सी तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए साथी, मैं और बहुत नहीं कहते हुए अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। आज की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ हम लोग करने जा रहे हैं, ये नई पहल हमने शुरुआत की है। आने वाला समय में कई तूफान, कई आंधियां आएंगी, कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें कभी हारना नहीं सिखाया है, कभी रुकना नहीं सिखाया है, हमें लड़ते जाना है, मंजिल हमें स्वयं मिलेगी। इस संकल्प के साथ हमें इस समूह को आगे लेके जाना है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय झारखंड।